जल ही जीवन है। यह हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, पर क्या वाकई हम इस बात को समझ भी पा रहे हैं? पानी की लगातार बढ़ती हुई परेशानी और पीने योग्य पानी की किल्लत इस बात की निशानी है कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, पर शायद अभी उतनी गंभीरता से इसको ले नहीं रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम अपनी जीवन उत्पन्न करती नदियों को यूं गंदा नाला ना बनने देते। भारत की कई नदियां पहले ही हमारी लापरवाही का अंजाम भुगत रही हैं। क्या हम और आप ऐसे ही इन नदियों को मरता देखते रहेंगे? जागरूकता की शुरुआत करने वाले स्वामी विकास नदियों को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं और उन्होंने बीमार हो रही रंभा नदी की दयनीय स्थिति को कितने करीब से देखा, आइए आप भी देखिए। किसी को नींद से जगाने के लिए आवाज उठानी पड़ती है, मैं वही आवाज उठा रहा हूँ। और शायद आप काफी देर से सोच रहे होंगे कि मैं एक नाले में खड़ा होकर ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये नाला नहीं बल्कि उत्तराखंड ऋषिकेश की रंभा नदी है जो गंगा में मिलती है। और मैं यहाँ पर आपको ये दिखाने के लिए खड़ा हूँ कि अगर अभी भी हमने कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में हमें ऋषिकेश हरिद्वार में ऐसे ही कूड़े के बीच खड़े होकर गंगा जल भरना पड़ेगा, क्योंकि ये रंभा नदी सीधी सीधी गंगा में मिलती है। ये नदियां हैं, अगर इन्हें नहीं बचाया तो मरना पड़ेगा। हमें, आपको, उन सबको जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें सीने से लगाकर इतने लाड प्यार से पाल रहे हैं, भविष्य में उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तिल तिल कर मरना पड़ेगा। आज ये सिर्फ हमारे लिए ही भयानक है, लेकिन आने वाली नई पीढ़ी के लिए ये जानलेवा बनेंगे। मैं जब भी किसी से नदियों को बचाने या नदियों के लिए आवाज उठाने के लिए बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि भला हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का काम है, सरकार नदियों को बचाएगी। जैसे कहा जाता है कि बदलाव की शुरुआत पहले अपने आप से, अपने आसपास से की जाती है, इसी तरह नदियों को बचाने के लिए शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। कूड़ा कचरा, प्लास्टिक की बोतलें और पाउच हम सिर्फ कचरे के डब्बों में ही डालें, ना कि उसको नालों में बहाएं और बिल्कुल भी अपनी नदियों में ना फेंकें। केवल प्रशासन और व्यवस्था पर उंगली ना उठाएं, बल्कि अपने हाथों को भी इस बुरे काम से रोकें जो हमारी नदियों को जहरीला बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे अभी यहाँ नाले में जब मैं खड़ा हूँ तो नीचे कीड़े काट रहे हैं, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन ये तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो भविष्य में हमारे बच्चों को पानी से तिल तिल करके मरने से होगी। मैं भविष्य को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, लेकिन शायद आप उस सच से आंख मूंद कर खड़े हैं। जी हाँ, हम और आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अगर नदियों को मार नहीं रहे तो उसे बचाने की कोशिश भी तो नहीं कर रहे। ऐसी ही एक नदी है रंभा, जो गंगा में जाकर मिलती है। दिन ब दिन ये रंभा नदी कचरे और प्लास्टिक से भरा एक दूषित नाला बनती जा रही है। हम रंभा नदी को बचाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, ऐसे ही एक एक करके सभी नदियों को बचाएंगे अगर हमें आपका साथ मिला तो। इस वीडियो के ऊपर एक लिंक है, उसमें ऑनलाइन पेटिशन डाली गई है रंभा नदी को बचाने के लिए। आपसे अनुरोध है कि उस पर साइन अप करें और रंभा नदी को बचाने के लिए अपना समर्थन जाहिर करें। पर्यावरण पोस्ट के माध्यम से इस मिशन में आप भी सहयोग करें और पर्यावरण पोस्ट का हिस्सा बनें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पर्यावरण पोस्ट।